नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे। रफ़ी साहब से जुड़ा सॉन्ग है और शम्मी कपूर उसमें पर्दे के सामने हैं। तो 60 साल पहले जब शम्मी कपूर ने सड़कों पर मचाई थी धूल, ऐसे फोड़ी मटकी की छा गए श्याम रंग, रफ़ी ने लगाए चार चांद। राखी के बाद सभी जगहों में जरमशी की धूम दिखाई देने लगी है। बॉलीवुड में श्री कृष्णा से लेकर कई गाने बने हैं जो लोकप्रिय हैं। 60 साल पहले ऐसा ही एक गाना आया था जो शम्मी कपूर पर फिसराइज किया गया था। वैसे जन्माष्टमी के हिट सॉन्ग बहुत हिट सॉन्ग हैं, कृष्णा जी पर अपनाए गए बहुत ऐसे सॉन्ग हैं जो आपने सुने होंगे, लेकिन रफ़ी साहब और शम्मी कपूर का ये सॉन्ग बहुत लोकप्रिय और बहुत ही लोकप्रिय सॉन्ग रहा। ये जन्माष्टमी पर वैसे बहुत ही सेलिब्रेशन की तैयारी में ज़ोर शोर से बहुत ऐसे गाने बजते हैं, ऐसे गाने हैं। यदि बांसुरी वाले के लिए कोई मस्ती भरा पूछा जाए सॉन्ग कौन सा है, तो सबसे पहले बॉलीवुड का ये वो गाना याद आएगा जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज़ दी थी और ये 60 दशक में इतना हिट था कि सड़कों पर बस इसी की धूम दिखाई देती थी। तब से लेकर आज तक हर जन्माष्टमी पर इस गाने का धमाल है और ये श्री कृष्णा जन्मोत्सव पर दोगुना कर देता है। आइए आप इस सॉन्ग में इसी गाने पर बात करते हैं। हम जिस मस्ती भरे गाने की बात कर रहे हैं वह है गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। यकीनन आप इस गाने को गुनगुनाने लगे होंगे। ये गाना है ही इतना मस्ती भरा कि इसकी धुन पर हर कोई थिरथिराने लगता। ये गाना फिल्म ब्लॉफ मास्टर का है जिसमें मनमोहन देसाई ने निर्देशन किया था और 135 मिनट की इस फिल्म में शम्मी के साथ सारा बानो प्राण और ललिता पवार ने अहम भूमिका निभाई थी। शम्मी कपूर के लिए जब भी कोई गाना तैयार किया जाता था उसे मोहम्मद रफ़ी साहब ही आवाज़ दिया करते थे। शम्मी को लगता था कि मस्ती भरे अंदाज पर किसी की आवाज़ सबसे फिट बैठती है तो वे रफ़ी साहब हैं। यही कारण है कि कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा गाना गोविंदा आला रे गाने की बारी आई तो रफ़ी साहब को याद किया गया और उनमें भी पूरे दिल से इस गाने की आवाज़ दी। इस गाने पर जब शम्मी कपूर ने डांस किया तो एक अलग ही माहौल बन गया। ये गाना उस दौर का सबसे हिट हुआ करता था, हर गली में हल्ले में सुनाई देता था, खास तौर पर जब जन्माष्टमी आती है तब।